हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो MACP से रिलेटेड अपडेट है और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। इससे पहले भी जो है एक बार जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था, बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ऑर्डर दिया है। हम बात करेंगे क्या वो MACP का ऑर्डर है और क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं और किस तरीके से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है MACP का जो प्रमोशनल हायरार्की के ऊपर ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर आया हुआ है। इसमें बेसिकली जो है इट वॉज़ अ वेल ऑर्गेनाइज टीम वर्क। इसमें बताया गया है कि अभी जो लेटेस्ट हियरिंग हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था और इसमें जो है रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट किया गया है। इसमें कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जो अभी जो MACP है उसमें बहुत सारी एनोमलीज हैं और उनको फिक्स किया जाना चाहिए। जो एनोमलीज हैं वो सिर्फ ग्रुप बी एंड सी के लिए है, ग्रुप ए के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए कि सिर्फ ये सिर्फ ग्रुप बी और सी के लिए ही लागू है और ग्रुप ए के लिए कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ग्रुप ए वाले कोई इशू रेज़ नहीं कर रहे, बट ग्रुप बी और सी के लिए इशूज़ हैं तो इनको फिक्स किया जाना चाहिए। और दीज एनोमलीज हैव लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट, काफ़ी लंबा इम्पैक्ट होगा इसमें। आर्ग्यूमेंट्स हैव बिन कम्प्लीटेड एंड द केस इज़ नाउ रिजर्व फॉर ऑर्डर। अल्टीमेटली ये सारी की सारी बातें आप देख सकते हैं कोर्ट ने भी माना है और आर्गुमेंट अब ख़त्म हो चुका है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है, फाइनल ऑर्डर है, उसकी वेट की जा रही है। बट जो आर्गुमेंट है उससे क्लियर ये है कि कोर्ट भी जो है इस बात से जो है सहमत है कि जो अभी एग्जिस्टिंग MACP है वो ग्रुप बी और सी के लिए उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट है और ग्रुप ए के लिए उसको कोई भी वो नहीं है। बट स्टिल जो करंट MACP है उसके अंदर एनोमलीज है जिसको कि फिक्स किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का MACP से रिलेटेड ऑर्डर है उसके ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।